I'm a very daring girl. I don't know क्या होने वाला है. हाइट को मैं एक लेवल तक ही ले सकती हूँ. बंजी जंपिंग तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं अपनी लाइफ में करूंगी. मैं यहाँ पहुंच भी गई हूँ पर मुझे नहीं पता मैं कर पाऊंगी या नहीं. My name is Rishi. I was living in Canada for the past 7 years. I recently moved back from Canada. I'm running a designer studio for ladies in Indian ethnic wear. I couldn't believe that I was the winner of the contest जो मैंने enter किया था और मैंने पहले से ही सोच रखा था कि अगर ये contest मैं जीता तो I'll take my friend Shweta with me. She has fear of heights. और मैं ये चाहता हूँ कि मैं वही वाले एक्टिविटीज़ बुक करूँ जिसमें हाइट इन्वॉल्व होती है और वो जो फियर ऑफ हाइट वो उसके मन से कम्प्लीटली निकल जाए. आई वॉज वेरी हैप्पी दैट ही चूज मी ओवर एवरी वन. उसके और भी दोस्त हैं बट येस हम लोगों में इतने साल दूर रहे डिस्टेंस आया बट उसके बाद भी आई एम द क्लोजेस्ट टू हिम एंड ही चूज मी. नाउ वी विल बी गोइंग टू ऋषिकेश एंड आई हैव अ सरप्राइज फॉर हर एज़ वेल. ट्विस्ट तब आया जब मैंने उसको ये बताया कि एडवेंचर स्पोर्ट्स भी है और एडवेंचर स्पोर्ट्स में क्या था फ्लाइंग फॉक्स और बंजी जंपिंग. मैं फ्लाइंग फॉक्स के लिए रेडी हूँ. आई एम श्योर अबाउट इट. बंजी जंपिंग के लिए मैं कन्विंस कर दूंगा. सो फाइनली होटल के बाद हम फ्रेशन अप हो गए हैं एंड नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द एक्टिविटी सेंटर. I know इससे better ही करूँगी मैं, but मुझे सिर्फ अभी एक चीज़ का डर है and that's height. So वो जगह है जहाँ से हमने bungee jumping करनी है. Very excited मैं यहाँ पे आ गया हूँ और वो जो height देख के मैं इतना ज़्यादा excited हूँ. मैं wait नहीं कर सकता ये चीज़ करने के लिए. I don't know what's gonna happen. वहाँ जाके पता चलेगा. बोल दिया मैंने साफ साफ कि लगेगा तो करूंगी नहीं तो नहीं करूंगी. Let's see how it goes. And मैं पक्का उससे करवा के ही रहूंगा. My first gift to you is flying fox. I know you're up for it. पता नहीं तूने वीडियो ढंग से देखी नहीं देखी. 140 to 160 किलोमीटर पर आर की स्पीड से we'll be doing the flying fox. चलो finally flying fox. आसान लगता है उतना आसान है नहीं. जब आप उस हाइट पे होते हो और जब आपको वो लोग जस्ट छोड़ने वाले होते हैं अपने एंड से आपको फील होता है कि सब कुछ दिख रहा होता है आपको पूरा पहाड़ और इतनी गहराई एंड हाइट ऑल दैट. इट्स वेरी डेंजरस. तेरे को फाइनली बंजी जंपिंग करनी है. सोच लियो. यू डोंट हैव टू रश. ये फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट है. मेरे को जो इंस्ट्रक्टर था उसने ये कहा था द इजीएस्ट वे इज कि आप जाओ बिना सोचे कूद जाओ. On the edge, 1000 feelings were going inside my head. ऐसे लग रहा था पता नहीं क्या होएगा, मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा. But finally I did it. और उसका सबसे बड़ा सबूत है ये बैच जो मेरे चेस्ट पे लगा हुआ है. मैं यहाँ पहुँच भी गई हूँ और यहाँ पहुँचकर तो मेरा डर दो गुना बढ़ चुका है. एज पे जाके खड़ी होकर I was shivering like hell. मेरा बॉडी नंब हो गया था और मुझे चक्कर आ रहे थे. I was feeling कि सब चीजें घूम रही हैं. पहला अटेम्प्ट किया नहीं हुआ. I don't know, I wanted to do it.
I couldn't do it. अरे cheer up man, कुछ नहीं होता. We'll do something else. Rishi actually gave me that power and that boost that you can do it, and he was so positive throughout. And then I did not even give it a second thought. Titanic का pose करके कूद गई थी मैं. As an individual, I believe कि हर एक को try जरूर करना चाहिए अपने fear को overcome करने के लिए. लेकिन जब तक आप नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा that what you can do and what not. I'd like to thank Sviat Eventura for giving Rishi a chance कि वो मेरे लिए कुछ plan कर सके, and thanking Rishi that उसने मेरे लिए ये plan किया. I just hope that हम हमेशा friends रहें and हर एक को ऐसा दोस्त मिले. My recommendation to all of you is you should always lead a healthy and active lifestyle. उससे क्या होएगा कि you will be killing the boredom that you have in your lifestyle, and that's what I'm feeling right now. I'm feeling totally alive. Finally, I'm feeling very happy and alive.